देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन की ओर से खबर आई है, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव ने राज्य में विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख दलों आरजेडी और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। कांग्रेस के हिस्से की सीट पर आरजेडी की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया जाने के बाद दूसरे दलों के नेता भी नसीहत देने लगे हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस पूरे वाकये पर कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की सलाह दे दी है। मांझी ने इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस की बेइज्जती बताया है तो पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी को अब टिकट बेचने वाले दल से छुटकारा पा लेना चाहिए। उन्होंने तो आरजेडी का बीजेपी के साथ अंदर खाने तालमेल होने तक की बात कह दी है। विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट काटे जाने को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बेइज्जती करार दिया है। मांझी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि आरजेडी ने आज एक बार फिर से कांग्रेस को उनकी हैसियत बता दी है। अब भी अगर कांग्रेस हलाकमान को आरजेडी नेतृत्व में अपना भविष्य दिखाई देता है तो दीगर बात है। वैसे आज की बेइज्जती के बाद कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि अविलंब आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ ले, शायद इससे कुछ लाज बच जाएगी। पप्पू यादव ने बगैर आरजेडी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस को अब कठोर फैसला लेना चाहिए और ठेकेदार बटमार से पैसे लेकर टिकट बेचने वाले दल से छुटकारा पा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका बीजेपी से अंदर खाने का तालमेल है। यह दल ईडी सीडी सीबीआई और आईटी के डर से पीएम का पालतू बना हुआ है। कांग्रेस के फैसले से बिहार को नई दिशा मिलेगी और कई दशक के घुटन से मुक्ति भी मिलेगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए